अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मैम शाइस्ता फ्रॉम TKS सीनियर कैंपस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बिफोर गोइंग टू वर्ड्स अवर रीडिंग, लेट मी टेल यू अबाउट द गुड वर्ड्स ऑफ द डे। डेट इज सक्सेस इज हो हाई यू बाउंस व्हेन यू हिट बॉटम। ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि हम लोग आज कौन सी रीडिंग करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। बच्चे ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर कैम। मैं एक एक रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। बच्चे ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर कैम्स क्विक। ये फोर डॉट्स कौन है बच्चे? नहीं, अच्छा, टर्न ऑन योर कैम्स क्विक। मलिक हुसैन, मुनज़्ज़ा, मानूर, क्विक। बच्चे हु इज़ देयर जिसके फोर डॉट्स का नेम? आई डोंट नो व्हाट इज़ योर नेम। चलेंगे। ओके, मलिक हुसैन, टर्न ऑन योर कैम। मानूर, मुनज़्ज़ा, मानूर, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर पेंसिल इन योर हैंड्स। मलिक हुसैन, आपका कैम उल्टा है कि बुक उल्टी रखी हुई है? अच्छा, यू मैम, ये हसीना, मैं आपसे बात करती हूँ। वेट। ओके एमन, वेलकम टू क्लासेस। मानू, वेयर इज योर बुक? मुनज़्ज़ा, वेयर इज वेयर? ओके ठीक है, थैंक यू। बच्चे एक बात सुने ना, हम लोग तो, ऑल ऑफ यू लिसन टू मी केयरफुली, आज तो हम लोग लेसन्स कंप्लीट कर लेंगे ना, लेकिन इसके जो एक्सरसाइजेज हैं ये वाले, ये मैं चाहती हूँ कि मैं आज ही क्लास में करवा दूँ, क्योंकि हमारी रीडिंग थोड़ी सी वो बहुत इजी वर्ड्स है ना। लेकिन अगर मैंने सेंड भी कर दिए तो ये वाले एक्सरसाइज बुक में करना है। इसको ये सारा मैं समझा भी दूँगी, ये भी बुक में ही करना है। वोकेबलरी के लिए आई विल सेंड यू वोकेबलरी के, मैं सेंड कर दूंगी। ये वाली एक्सरसाइज मैं अभी क्लास में बुक पे ही करवा दूंगी। क्लियर? एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपीज जिस पे मैं काम करवाऊंगी। वी विल राइट दिस वन, ये जो सिंगल प्लूरल, ये वाले सारे हम लोग कॉपी पे ही करवाएंगे। क्लियर? तो आप लोग के पास इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपीज भी हो, आज मैं काम सेंड करूंगी, तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अटेंटिव। ओके, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 16। किसी को पता है कि फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट? पता है? अच्छा हसीना, लेट मी लिसन टू यू। हसीना, हाँ, आपका मैसेज मुझे आया था, लेकिन सॉरी, उस टाइम क्लास स्टार्ट होने वाली थी। हसीना, अनम्यूट योर माइक। व्हाट यू वांट टू से? वालेकुम अस्सलाम जी मैम। सर देखो, हमें जो नोट्स मिले थे उसमें क्वेश्चन वन नहीं राइट हुआ। बच्चे वो मैंने अलग से क्वेश्चन सेंड किए थे ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और वर्ड सेंटेंसेस के साथ उसको सेंड किया हुआ था। अगर आपके पास फिर भी नहीं है, मैं क्लास ख़त्म होने के बाद आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, नो कम टू वर्ड्स द रीडिंग। डेट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इट वॉज, यहाँ से, इट वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ फ्रेश, इट वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ फ्रेश मीट एंड एज आई स्टेयर्ड। ओके, लास्ट पैराग्राफ है, अगर किसी को आइडिया नहीं है ना, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। ओके, पेज नंबर 16 है, लास्ट पैराग्राफ। It was a huge piece of fresh meat and as I stared at, stared मतलब घूरना, देखना, गौर से देखना, it several more pieces rolled over the cliffs, cliffs मतलब पहाड़, in different places। उसको मीट का एक बड़ा सा पीस नज़र आया ना, लेकिन उसने जब देखा तो उसको और भी मीट के जो गोश्त के जो टुकड़े नहीं हैं वो नज़र आ गए पहाड़ पे।
इट वॉज द मर्चेंट्स हुईज मर्चेंट्स जो सौदागर वहाँ पे आते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं जो अपने काम के सिलसिले में वहाँ पे आते हैं, थ्रोइंग ग्रेट लम्स, लम्स का मतलब है गांड, जिस तरह वो गांड नहीं बांधते उस तरह, ऑफ मीट इन टू द वैली विच फेल विद सो मच फोर्स अपॉन द डायमंड दैट दे स्टक टू इट. वो क्या करते हैं, जो मीट होता है ना, जो गोश्त होता है, उसके बड़े बड़े गांड वो बांध देते हैं और फिर उसको ज़ोर से यहाँ पे पेंग देते हैं इन जगह पे जहाँ पे ये दूसरा आदमी पंसा होता है, वहाँ पे ज़ोर से वो जो उसको डायमंड जो देखते हैं, जो फर्श होता है वहाँ पे या जो चलने वाला रास्ता, उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती से वो स्टिक हो जाते हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत ज़ोर से वहाँ पे पेंग देते तो वो वहाँ पे जाके स्टक हो जाते हैं. व्हेन द ईगल्स पाउंस्ड, मतलब उछाला, उछालना जो जो कहते हैं उसको, अपॉन द मीट एंड कैरी इट ऑफ टू देयर नेस्ट टू फीड देयर हंग्री चाइल्ड. उसको क्या करते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े परिंदे होते हैं, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि वहाँ पे जो बड़े बड़े परिंदे होते हैं उस कोश को क्या करते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं और अपने घोंसले में उन सबको लेके चले जाते हैं उन गोश को. द मर्चेंट्स वुड स्केयर द ईगल्स अवे एंड सिक्योर द ट्रेजर. लेकिन मर्चेंट्स क्यों ये काम कर दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो मीट है उनको ईगल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो इधर फेंकते हैं कि ईगल उसको अंदर लेके जाए, उनको जो शिकार होते हैं या वट एवर दे वॉन्ट, मर्चेंट्स की बात करूँ, वो उन लोगों को जो चाहिए होते हैं वो फिर वहाँ से उठा लेते हैं. क्लियर. आई हैड एन आइडिया एंड आई बिगेन बाय पिकिंग अप ऑल द लार्जेस्ट डायमंड्स. और उसके पास क्या था, एक आइडिया था कि वो क्या करेंगे कि सारे डायमंड्स वो वहाँ से उठा दें. एंड आई कुड फाइंड एंड स्टोर देम केयरफुली इन अ बैग विच हैल्ड माई प्रोविजन. उसने क्या किया कि मैं सारे डायमंड्स जो वहाँ पे ज़मीन पे पड़े होते थे ना, कहते कि मैं सारे इकट्ठे करके अपने बैग में डाल दूँगा, जहाँ पे उसको प्रोविजन कहते हैं, जहाँ पे उसके खाने पीने के अशिया या जो भी वो सामान अपने पास लेके गए तो उसमें जो कहते मैं उसी बैग में इसको डाल दूँगा. देन आई टाइड सिक्योरली टू माई बेल्ट. उसको फिर अपने बेल्ट से क्या किया, बांध दिए. आई देन चूज अ पीस ऑफ मीट विच सी मोस्ट सूटेड टू माई पर्पस एंड With the aid means help of my turban, bound it firmly to my back. This done, I laid down upon my face and I awaited to come the eagles. उसने क्या किया है, उसने तो वो जो पीसेस थे अपने बैग पे बांध दिए टर्बन के साथ कि जो ईगल आ जाए ना, तो वो मतलब उसका फेस तो उल्टा होगा, तो उसने कहा कि डायमंड्स को बचाने के लिए उसने क्या किया कि वो उस गोश का टुकड़ा अपने पास लेके चला जाएगा. लेकिन उसको पता नहीं था व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. आई सून हर्ड द प्लेफिंग, मतलब उसके जो पड़पड़ाने की या उड़ने की जो आवाज़ आती है, ऑफ देयर माइटी विंग्स अबव मी. उसको अपने ऊपर वो महसूस हो गई. एंड हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ फीलिंग वन ऑफ माई स्किन्स, मतलब चोंच को कहते हैं, अपॉन माई पीस ऑफ मीट एंड मी विद इट. उसने क्या किया, उसको जो नोश है उसके मुँह से उसको ये फील हो गया, उसने तो गोश्त का टुकड़ा उठा दिया लेकिन उसको ये भी फील हो गया उसके गोश्त के टुकड़े के साथ मुझे भी उठा दिया. एंड राइज स्लोली टूवर्ड्स हिज नेस्ट इन टू विच ही प्रेजेंटली ड्रॉप्ड मी. उसने क्या किया, उसने मुझे भी ऐसे से उठा दिया और उस जगह पर मुझे ड्रॉप कर दिया जहाँ पर ये पहले भी रहता था. Luckily for me, the merchants was on their watch and setting up their usual odd carries. उसने क्या किया कि वहाँ पे merchants क्या कर रहे थे, मतलब अपनी जो शिकार थे उसी को ढूंढ रहे थे and setting up their usual, और वो जिस तरह पहले जी चीख रहे थे और screams कर रहे थे उसी तरह वो अपने जो रूटीन के थे उसी तरह वो कर रहे थे. They rushed to their nest scaring away the eagles. और वो उसकी जगह जो ईगल का जो घोंसला था उस जगह पे वो लोग क्या हो गए, वहाँ पे पहुँच गए. देयर अमेजमेंट वॉज ग्रेट व्हेन दे डिस्कवर्ड मी. उसके क्या था कि वो मर्चेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब उसने देखा कि जो घोंसला था या जो नेस्ट था ईगल्स का उस जगह पे तो ये भी पड़ा हुआ है, ये आदमी भी है, मतलब ये बंदा भी है. आई मेड ए डील विद देम बाई शोइंग देम द डायमंड्स. उस आदमी ने किया जो से अपने बैग में जो डायमंड्स रखे हुए थे उसने क्या किया, उन लोगों के साथ मर्चेंट्स जो होते हैं उनको जो मिलने आ गए जो खुश हो गए थे उसको देख के उन लोगों के साथ किया कि एक डील बना दिए. ओके बाई शोइंग आई हैड बॉट फ्रॉम द वैली.
दे मर्चेंट्स एग्री टू टेक मी अलोंग. उस मर्चेंट्स क्या हुए कि वो लोग भी एग्री हो गए उसको भी अपने साथ लेके चले जाएं. आई स्टेड विद देम सेवरल डेज एंड देन एज दे वर जर्नियंग टू होम वर्ड, जैसे वो लोग घर की तरफ रवाना हो गए, आई ग्लैडली अकम्पनी देम, और मैं भी उन लोगों के साथ खुशी खुशी रवाना हो गया. अकम्पनी मतलब ज्वाइन देम. बिफोर वी लेफ्ट आई एक्सचेंज वन ऑफ माई डायमंड फॉर मोर गुडली मर्सराइज्ड बाई विच आई प्रॉफिट ग्रेटली ऑन आवर होम वर्ड वे. उसने क्या किया, जो उसके पास डायमंड्स थे ना, उसने उसी के गुड्स के बदले में उसके साथ क्या किया, एक्सचेंज कर दिया. उसके बदले उसको क्या किया, बहुत बड़ी रकम उसको अदा कर ली. एट लास्ट आई रीच्ड होम वेयर माई फर्स्ट एक्शन वॉज बिस्टोर्ड लार्ज सम ऑफ मनी अपॉन द पुअर. उसने किया कि उसने पहला कदम क्या उठाया, जैसे वो घर पहुँचे कि उसके पास डायमंड के बदले उसको तो रकम मिली हुई थी, उसने क्या किया, उसको गरीबों को वो पैसे अतिया कर लिए, कुछ हिस्सा अपने पैसों में से गरीबों को ज़कात दे दिए. यहाँ पे अतिया लिखा हुआ है, तो कुछ पैसा गरीबों को अतिया दे दिए. आफ्टर विच आई सेटल डाउन टू एंजॉय ट्रैंक्विली द रिचेज. उसने क्या किया, फिर वो सुकून से बैठ गया और अपने दौलत को वो इंजॉय कर रहा था, मज़ा ले रहा था अपने दौलत का. आई हैड गेन With so much toil and pain, जो उसको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त और तकलीफ़ से जो पैसे मिले थे, फिर उसको enjoy करने बैठ गया. Clear? This was story and it was an interesting story. Okay, all of you take out your page number 18. This one. यहाँ पे एक scale के साथ एक line draw करें. Write down the date and day. Page number 18. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हम लोग करें, तो उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें. ऐसे गंदा गंदा डेट एंड डे ना लिखें, लाइन ड्रॉ करें. आई विल टेल यू कि फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन आता है, सेकेंड में कौन सा आता है, लेकिन फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन. राइट डाउन द डेट टूडे. टूडे इज मंडे एंड डेट इज 27/7/2020. Done. Okay. All of you look towards your books. The sky went dark because options hai. Option number A, a big egg was laying there. B, a giant bird flew over St. Bart's head. C number, merchants was throwing meat. It was about to rain heavily because यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिंदा उसके सर पे वो उड़ रहा था. ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड नंबर, सिंदबाद गॉट मनी फ्रॉम वॉयज बाय सेलिंग ऑल हिज प्रोविजन्स, रबिंग द ship ऑफ द मर्चेंट्स. थर्ड नंबर, taking diamonds फ्रॉम द वैली, फाइंडिंग मनी इन ईगल्स नेस्ट. क्या है ऑप्शन नंबर सी. जी बच्चे मनजर क्या है बच्चे, इट्स अप टू यू. पेंसिल से कर तो, मार्कर से कर तो, इट्स अप टू यू. ये बुक का काम है, बुक का एक्सरसाइज है. डन. नाउ टर्न योर पेज, कम टू वर्ड्स पेज नंबर 19. आप स्लिप हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट पेज इज रिचेस स्पीडली टैग टू देमसेल्व्स विंग्स इफ मैनेज बैडली मीन्स. फर्स्ट नंबर, मनी गोज वेरी क्विकली इफ यू आर नॉट केयरफुल. अ रिच मैन इज लाइक अ बर्ड विद विंग्स, इट कैन फ्लाई अवे. थर्ड, वर्किंग हार्ड योर होल लाइफ टू बी रिच वेस्ट योर लाइफ. रिच्स ब्रिंग एरोगेंस एंड प्राइड डेट डिसीव मैन. नंबर ए. डन.
ओके कम टूवर्ड द नेक्स्ट वन. सिंदबाद वॉज लेफ्ट अलोन इन द वैली बिकॉज द मर्चेंट, ऑप्शन नंबर ए द मर्चेंट्स वॉज एंग्री विथ हेम एंड रिफ्यूज टू टेक हेम अलोंग. सेकेंड अगेन एक बर्ड टुक हेम इन टू हिज नेस्ट. सी ही सॉ डायमंड्स इन द वैली एंड गेट ग्रीडी. ही वेंट टू स्लीप ऑन हिज ऑन द आईलैंड, आइसलैंड भी आईलैंड भी कहते हैं, एंड हिज शिप वेंट अवे. ऑप्शन नंबर डी. फिफ्थ वन, लुक टूवर्ड्स द फिफ्थ वन. रॉक वॉज एन और डैश ए एनॉर्मस और लेजेंडरी बर्ड, ह्यूज मैजिकल स्नेक, जिजेंटिक एग ऑफ बर्ड ऑफ अ बर्ड, मैसिव साइज डायमंड. इट्स एन एनॉर्मस बर्ड. नंबर ए. डन. आप लोग फिर भी देख लें, फर्स्ट वन में बी ऑप्शन, सेकेंड वन में सी, थर्ड वन में ए, फोर्थ वन में बी, एंड एट द लास्ट देयर इज ए. डन. नाउ कम टूवर्ड्स दिस पेज, पेज नंबर 20. ओके, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मेरे वर्ड्स को केयरफुली आप लोगों ने सुनना है. ओके, द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल. बुक को अंडरलाइन करें आप लोग, टेबल को भी अंडरलाइन करें. This is the common noun. Nouns, because there are two ना, हम एक sentences में दो किए हैं तो they are common nouns. S लगाएं. Done. Second one देखिए, we cannot live without water. Water को underline करें. These are the common nouns. Third one देखे, He gave me a bunch of grapes. Grapes, bunch को भी underline करें, grapes को भी underline करें. इसमें बंच को भी अंडरलाइन करो, ग्रेप्स को भी अंडरलाइन करें. लिखे कलेक्टिव, सी ओ डबल एल ई सी टी आई वी ई, ऊपर लिखा भी है. और स्लैश लगा दे, बीच में एक डैश लगा दे, लिखे प्रॉपर, दोनों आते हैं उसमें, पी आर ओ पी ई आर. नाउंस, क्योंकि दो है ना एक सेंटेंस में, हम लोगों ने दो अंडरलाइन के नाउन्स आते हैं. फोर्थ वन देखे, जो जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट. इट्स जूरी को अंडरलाइन करें. अच्छा मैं करती हूँ, मुनासिब सारा कंप्लीट हो जाए फिर मैं दोबारा करती हूँ. जूरी को अंडरलाइन करें, लिखे कलेक्टिव स्लैश, बीच में एक डैश लगा दें, एब्स्ट्रैक्ट ए बी एस टी आर ए सी टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिफ्थ वन इज स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. हेल्थ को अंडरलाइन करें, लेके एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
आप लोग दोबारा स्टार्ट से सुने अच्छा। बुक को अंडरलाइन करें, टेबल को अंडरलाइन करें, दीज टू आर द कॉमन नाउन्स। वाटर को अंडरलाइन करें, दीज आर द कॉमन नाउन्स। बंच और ग्रेप्स को अंडरलाइन करें, दीज आर द कलेक्टिव स्लैश प्रॉपर नाउन। जूरी को अंडरलाइन करें, दीज आर द कलेक्टिव स्लैश एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्थ को अंडरलाइन करें, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डन डन। ओके कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर बी। कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर बी। डिसाइड वेदर द नाउन्स इज बोल्ड और आर काउंटेबल सी और अनकाउंटेबल यू। सिर्फ अगर काउंटेबल है तो सी लिखे, अनकाउंटेबल है तो यू लिखे। फर्स्ट वन में ग्लासेस के ऊपर सी लिखे। क्या मुझे तो नहीं। ब्रेड के ऊपर यू लिखे। थर्ड में ड्राइवर्स के ऊपर सी लिखे। फोर्थ में पुलिस मैन के ऊपर सी लिखे। फिफ्थ वन में वाटर के ऊपर यू लिखे। एक दफा दोबारा सुने। फर्स्ट वन में सी, सेकंड में यू, फिर सी, फिर फोर्थ वन में सी एंड एट द लास्ट यू। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सेंड द पिक्चर्स ऑफ दीज पेजेस अगर किसी से कोई मिस हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।